क्रैकेट पर आपका स्वागत है। पहले वीडियो में हमने काराघात, कारापात, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर और टैक्सेस के टाइप, प्रगामी कर, अप्रगामी कर, अनुपाती कर आदि हमने बताए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप पार्ट वन को जा कर के देखें, ये वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अगला उसी के आगे चल करके देखना है कि ये लिस्ट ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस। अब बाकी हमने पीछे पढ़ा ही था कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, यानी कि प्रत्यक्ष कर क्या होता है। ठीक, जब कराघात और करापात दोनों की चर्चा हमने कर ली, करों के टाइप की चर्चा कर ली, उसके साथ साथ अधिभार और उपकर की भी बात कर ली थी। हम आपको इस समय फंडामेंटल इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं और ये हर एक एग्ज़ाम में आती है। इसके बाद एडवांस इकोनॉमिक्स बाद की क्लासों में मिलेगी आपको। चलिए देखते हैं, लिस्ट ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस है, प्रत्यक्ष करों की सूची। इसमें से पहला नंबर है PIT, पर्सनल इनकम टैक्स। दूसरा है कॉरपोरेट टैक्स, इसे कंपनी कर या निगम कर कहते हैं। तीसरा है STT, यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, यानी प्रतिभूति हस्तांतरण कर। चौथा है CTT, यानी कि कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, वस्तु हस्तांतरण कर। इसके बाद अगला है वेल्थ टैक्स, जिसे हम संपत्ति कर कहते हैं, और स्टेट ड्यूटी, जिसे हम संपदा शुल्क कहते हैं। ठीक, तो PIT पर्सनल इनकम टैक्स है क्या? जब, यानी सर्विस, जिसे सर्विस टैक्स भी कह सकते हैं, जब किसी आदमी को ही ऊपर इम्पोज किया जाता है, यानी वही पर्सनल आदमी जो है, पर्सनल वो आदमी ही टैक्स अदा करे, उसे कहते हैं पर्सनल इनकम टैक्स। ये हर वर्ष बजट में 2020-21 हो या 2019-20 हो, आने वाले समय 21-22 में भी एक स्लैब आता है जिसमें ये निर्धारण किया जाता है कि 0 से 2.5 लाख फ्री रहेगा, 2.5 से 5 लाख तक 5% रहेगा। ये जो स्लैब आते हैं वो पर्सनल इनकम टैक्स के लिए ही आते हैं। ठीक, अधिकतर। और इसके साथ साथ में आगे आने वाले समय में उन स्लैबों में कंपनी कर के लिए भी होता है। ठीक, कॉरपोरेट टैक्स को कहते हैं कंपनी कर या निगम कर। ये सीधे सीधे एग्जाम में यही लिख करके आता है, पूछा जाता है कि कंपनी कर डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है, या ये पूछा जाता है निम्न में से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है, उसमें यह कंपनी कर लिखा हो या निगम कर लिखा हो या कॉरपोरेट टैक्स लिखा हो या इसी में सामूहिक कर लिखा हो, तो भी उसे ही कॉरपोरेट टैक्स ही कहते हैं। तीसरा STT, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, प्रतिभूति हस्तांतरण कर। ये होता क्या है? ये एक प्रपत्र होता है, ये दो प्रकार से जारी किया जाता है, एक सरकार के द्वारा सरकारी प्रपत्र कहलाता है और निजी प्रपत्र कहलाता है, जिसमें सरकारी पे ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी ज़्यादा होती है निजी की अपेक्षा। CTT क्या है? कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये वायदा बाजार पर होता है, यानी फ्यूचर मार्केट, मतलब वस्तुओं का हस्तांतरण होता है इसमें। वस्तु पहले हमने वादा कर लेते हैं, मतलब कैसे, मान लीजिए कि हमें अब 2 महीने बाद कोई वस्तु चाहिए, तो हम आज ही उस वस्तु को क्या कर लेते हैं, वादा करके, यानी कि हम फ्यूचर में खरीदेंगे और उसके लेन देन की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं। इसमें लेने वाले और प्लस देने वाले को 50-50% टैक्स देना होता है। वेल्थ टैक्स क्या? संपत्ति कर। और स्टेट ड्यूटी संपदा शुल्क। संपत्ति और संपदा में दोनों में अंतर है। संपत्ति आप जानते हैं कि जब चुनाव होता है तो ब्यौरा मांगा जाता है सबसे पहले, यानी एक कैंडिडेट का, कि आपके पास कितनी संपत्ति है। ठीक, तो उसमें से पैसा, खातों का भी पैसा, इसके अलावा जो आपके पास कुछ बहुमूल्य सोना वगैरह होता है उसका सबका जिक्र किया जाता है। लेकिन संपदा शुल्क क्या है? स्टेट ड्यूटी। ये सिर्फ एक बार लगता है, यानी कि एक बार लगता है मतलब मृत व्यक्ति के द्वारा जो छोड़ी गई संपत्ति होती है, जैसे घर, मकान आदि, ठीक है, उसे हम संपदा शुल्क के रूप में वसूलते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, गिफ्ट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, NBTT यानी बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स, ये भी सभी प्रत्यक्ष कर ही है। गिफ्ट टैक्स क्या होता है? उपहार कर। पहले क्या होता था कि जब कोई उपहार देता था, यानी गिफ्ट देता था, तो उसे ही टैक्स देना पड़ता था, लेकिन आगे आने वाले समय में संशोधन कर दिया गया, अब जो गिफ्ट लेगा उसे देना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए कि सचिन तेंदुलकर को एक लग्जरी कार मिली, ठीक है, तो अब वो देने वाले को टैक्स नहीं देना पड़ेगा,
अब लेने वाले यानी कि सचिन तेंदुलकर को उस टैक्स को पेमेंट करेंगे। और ये जो गिफ्ट टैक्स है अब पर्सनल इनकम टैक्स में जुड़ करके दिया जाता है, यानी जोड़ कर दिया जाता है। इंटरेस्ट टैक्स क्या होता है, यानी ब्याज कर होता है। ब्याज कर कहाँ मिलता है, यानी कि यदि हम किसी को ब्याज दें, मतलब पैसा दें, तो उससे ब्याज मिलेगा। लेकिन ये वास्तविकता ब्याज कर यहाँ पर नहीं, ये बैंक से मिलता है, मतलब बैंक देती हैं, बैंकों को ये ब्याज कर देना होता है। मतलब बैंक में जो जमाएँ होती हैं, ठीक, उन पर तो ऑलरेडी वो पेमेंट करती है कर का। मान लीजिए कि मैंने यदि जमा किया हुआ है पैसा, तो उसमें हमको कुछ टैक्स मिलता है, 2%, 3%, 4% का। लेकिन बैंक ब्याज कर कब देती है, बैंक ब्याज कर देती है जब पैसा उधार देती है। उधार देने पर क्या होता है कि उसको टैक्स मिलता है, और उस टैक्स का जब कलेक्शन हो जाता है उस पर इसे ब्याज देना पड़ता है, यानी इंटरेस्ट टैक्स देना पड़ता है सरकार को। BTT यानी बैंक ट्रांजेक्शन टैक्स, आप जानते ही हैं कि यदि बैंक से हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसमें टैक्स लागू है और उसमें टैक्स हमें देना पड़ता है। मान लीजिए कि हमने पेमेंट किया 1000 रुपये का, तो पता चलता 12-13 रुपये या 15 रुपये जो टैक्स कटता है वो BTT कहलाता है। लिस्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि अप्रत्यक्ष करों की सूची। अभी हमने कुछ प्रत्यक्ष कर पढ़े, अब इसके बाद अप्रत्यक्ष करों। तो अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं, सर्विस टैक्स यानी कि सेवा कर, कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क, काउंटर वेलिंग टैक्स यानी प्रतिदुल्य शुल्क, और एंटी डंपिंग ड्यूटी और वैट वैल्यू एडेड टैक्स यानी मूल वर्धित कर। सर्विस टैक्स यानी कि सेवा कर क्या होता है, सर्विस टैक्स जैसे मान लीजिए कि किसी होटल पे जाते हैं, ठीक है, तो होटल पर हमें क्या मिलती है, सर्विस मिलती है, तो उसके सर्विस चार्ज देना पड़ता है। और जैसे प्रोफेसर हो गया या वकील हो गया, जब वकील सर्विस करता है, प्रोफेशनल होता है, तो इस प्रकार की सर्विस करने वालों पर टैक्स लगता है, इसे हम सर्विस टैक्स कहते हैं। जबकि पर्सनल इनकम टैक्स अलग है और सर्विस टैक्स अलग है। पर्सनल इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स में आता है, और सर्विस टैक्स जो सेवा है, यानी सेवा मैंने बताया जैसे कि होटल में सर्विस टैक्स लगता है, ठीक। मान लीजिए कोई एयर होस्टेज है, ठीक है, एयरलाइन सेवा ले रहे हो, तो वहाँ पर टैक्स लगेगा जो सेवा देने वाली होंगी, ठीक, आदि पर। दूसरा है कस्टम्स ड्यूटी यानी सीमा शुल्क। सीमा शुल्क दो प्रकार है, इम्पोर्ट ड्यूटी एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी यानी कि आयात शुल्क और निर्यात शुल्क। जब हम कोई वस्तु आयात करते हैं तब शुल्क लगता है, और जब हम कोई वस्तु को निर्यात करते हैं तो उसमें सरकार द्वारा शुल्क लगाया जाता है। काउंटर वेलिंग टैक्स यानी कि प्रतितुल्य शुल्क। प्रतितुल्य शुल्क है क्या, ठीक, इसके बारे में जानेंगे विस्तृत से, और एंटी डंपिंग ड्यूटी दोनों के बारे में। प्रतितुल्य शुल्क और एंटी डंपिंग ड्यूटी दोनों को कंपेरिजन किया है कि काउंटर वेलिंग टैक्स होता है जब कोई भी देश, ठीक है, जब कोई भी देश क्या करता है कि अपनी वस्तुओं को, ठीक है, किसी बाज़ार पर अपने मूल्य से कम मूल्य पर, ठीक है, अपने मूल्य से कम मूल्य पर बेचना शुरू कर देता है, ठीक, तो हमें उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रतितुल्य शुल्क लगाना पड़ता है। दूसरा एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है, इसमें भी सेम यही प्रक्रिया होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि उस मतलब कोई भी देश अपने बाज़ार मूल्य से कम मूल्य पर वस्तुओं को क्या करता है, दूसरे देश में पाट देता है। पाटना का मतलब होता है डंप करना, ठीक है, और उससे क्या होता है, उसका बाज़ार छीना जा सकता है दूसरे देश को। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी पड़ती है। मान लीजिए कि भारत देश में चीन का माल बहुत ज़्यादा मात्रा पर आ रहा है, क्योंकि कारण है कि चीन अपनी बाज़ार वैल्यू से कम मूल्य पर वो क्या करता है, भारत में वस्तुएं पाट रहा है लगातार। तो हमें यदि रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लागू कर देंगे, जिससे क्या होगा, उस वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसे फिर भारतीय बाज़ार में जो वस्तुएं होंगी उनसे प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, जिससे इनकी मांग कम हो जाएगी। वैट वैल्यू एडेड टैक्स मूल्यवर्धित कर। मूल्यवर्धित कर क्या होता है कि ये हर एक स्टेप पर लगता है। मूल्यवर्धित कर क्या होता है, मान लीजिए कि कोई वस्तु यदि दिल्ली में बनी है तो जहाँ से बनेगी वहाँ पर टैक्स इम्पोज होगा, फिर वहाँ से दूसरे स्थान पर जाएगी वहाँ पर टैक्स इम्पोज होगा, यदि वहाँ से तीसरे स्थान पर जाएगी तो वहाँ पर इम्पोज होगा, यानी कि लागू होता रहेगा। इससे क्या होगा, उस वस्तु का मूल्य बहुत बढ़ जाता है। GST के आने के बाद से सर्विस टैक्स खत्म हो गया है, ठीक है, और वैट खत्म हो गया। अब सारे मतलब बहुत से मात्रा में जिन्हें इनडायरेक्ट टैक्स हैं, सारे के सारे लगभग लगभग तक
किस में चले गए हैं? जीएसटी के अंतर्गत चले गए हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंतर्गत। लेकिन इम्पोर्ट इम्पोक्स ड्यूटी लगती रहेगी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगती रहेगी और एंटी डंपिंग ड्यूटी ये अलग से लगती रहेगी। बाकी और अन्य जितने भी टैक्स हैं वो सारे के सारे जीएसटी में इंक्लूड कर दिए गए हैं।